गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें दो स्पेशली जो प्रॉब्लम थी उनके बारे में, स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल। जीरो होता है और इसका फिजिकल मीनिंग भी देखा कि क्या होता है, ठीक है ना। एक जो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है मगर बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, मैं उसको रिकलेक्ट करवाना चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि जो इफ़ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर की पावर एन। इसकी वैल्यू को निकालना है हमें, किसकी वैल्यू निकालना, वन अपॉन आर की पावर एन का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है ना। ये बहुत छोटी चीज है मगर ध्यान से काम करना है क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ ग्रेडियंट और कितना है आर की पावर, देखो हमारे को दिया हुआ ये है और ये निकालना है। तो एक छोटा सा काम करते हैं कि मैं इसको लिखने से पहले आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं ये जो आर की वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पहला काम ये करना है सीधा, अगर अपन उससे करना शुरू कर देंगे तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। देयर फॉर फ्रॉम प्रॉब्लम, ठीक है ना, इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू, ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। इसको चाहो तो ऊपर ले आओ, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस एन बाई टू, ये बन जाएगा। अब ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। किसका निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस एन बाई टू का निकालना, ठीक है ना। ये हमारे पास, तो पहले मैं एक्स का निकालता हूँ, फिर वाई के साथ में डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर जेड के साथ में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो सिंपली हम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं एक्स के साथ में करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, आई इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के साथ में, एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है ना। तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन बाई टू माइनस वन। ये तो हुआ पावर का, अब हमें करना है इसका, इसका कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा टू एक्स, ठीक है ना, और एन बाई टू भी है, ठीक है ना। तो अपने पास ये तो एन बाई टू का कितना आ जाएगा, माइनस एन बाई टू और आ जाएगा बाहर, तो माइनस एन बाई टू, ये मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है ना। ये अपने पास इसका डिफरेंस, तो पहले मैंने पावर का कर दिया, पावर का आ गया माइनस एन बाई टू और इसका एक पावर कम हो गई, ठीक है ना, और फिर क्या आ गया, इसका निकाल दिया। इसी तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस जे एन बाई टू टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस एन बाई टू माइनस वन, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस के एन बाई टू आएगा ही आएगा, और टू जेड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस एन बाई टू माइनस वन, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये टू टू तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब तो कैंसिल हो गए, इसमें से कॉमन क्या आ गया, एन कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एन और ऊपर आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्चुअल में, देखिए ये पावर माइनस की पावर नहीं, ये सब प्लस में हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है ना।
ये ऊपर माइनस होता और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में लेके आ गया ना, तो ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। ए प्लस, तो मेरे पास आ गया एन बाई टू प्लस वन, ठीक है ना। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वेक्टर आर, तो माइनस एन वेक्टर आर, और ये मेरे पास हो जाएगा आर की पावर एन, और ये दो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर की पावर एन प्लस टू। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर की पावर एन। ये इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो चाहें जितनी प्रॉब्लम करना चाहें वो सारी प्रॉब्लम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना अपने को आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक जो आपको बेसिकली अब जो काम करना है वो मैं चार पांच प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, वो बेसिकली आपको करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, खूब करनी है, ठीक है ना। तो दो चार सवाल हैं वो मैं आपको बोर्ड पे कर रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस के रूप में घर पे काम करना है। तो पहली प्रॉब्लम करनी है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, दूसरा डिफाइनिंग ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी तरह से डिफाइनिंग कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ऑब्टेन एक्सप्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऑल्सो गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस, डिफाइनिंग डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ऑब्टेन एक्सप्रेशन इन ऑल्सो गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव कुछ सवाल हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बहुत काम में आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो और आपके सवाल आएंगे वो तीन थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो थ्योरम्स का है वो भी, तो तीन थ्योरम कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अगला प्रॉब्लम कर देते हैं अपन, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव
ग्रीन थ्योरम। जो ये आठवां सवाल है, ठीक है ना, ये बहुत काम का है। ऑप्टवेन मैक्सवेल्स इक्वेशन यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ये बहुत बहुत ये न केवल यहाँ पे काम के हैं, पूरा सिलेबस को कवर करवा देंगे और सबका मीनिंग अब पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे सवाल करते रहिए, खूब अपने आप को मजबूत रखें, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ से करेंगे उतने अच्छे होंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।